सिद्धों की बड़ी लंबी परंपरा रही है। वैसे तो सिद्ध का अर्थ ये होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास बड़ी दैवीय शक्तियाँ आ गई हैं और जो अजीब अजीब तरीके काम करके दिखा सकता है, मुर्दे को जिंदा कर सकता है, बीमारियाँ ठीक कर सकता है, नदी पर चल के पार जा सकता है, 300-400 की स्पीड से दौड़ सकता है। अगर आप सामान्य बुद्धि या जो जनश्रुति है उसके हिसाब से देखेंगे तो सिद्ध का अर्थ ये होता है, या कि जो ऐसे किसी को छू करके शक्तिपात कर दे, तो चेला आया, गुरु ने यूं छू भर दिया और इतने में वो हो गया, उसका जो भी होता है हो गया। तो और जो परंपरा है सिद्धों की वो भी कोई एक नहीं है। दक्षिण भारत में एक अलग परंपरा है, तमिल सिद्ध हुए हैं, उत्तर भारत में एक दूसरी परंपरा है, उन्हीं सिद्धों से फिर नाथ योगी निकले थे। नाथों में भी पूरी एक श्रृंखला है, नवनाथ नाम सुना होगा आप, गोरखनाथ की बात कर रही थी, मत्स्येंद्रनाथ हैं, फिर गोरखनाथ हैं, फिर उसी श्रृंखला में आगे कबीर आ जाते हैं। तिब्बती सिद्धों की एक और अलग परंपरा है। परंपरा कोई भी हो, सिद्धों में एक बात हमेशा एक सी रही है, ज्ञान पर इनका जोर कभी नहीं रहा है, बहुत ज्ञान पर जोर नहीं रहा है, होने पर जोर रहा है, सहजता पर जोर रहा है। तुम हो क्या, तुम्हारे मन में क्या भरा, ये नहीं, दो बड़ी अलग अलग चीजें हैं। तुम्हारे मन में भरा क्या हुआ है, ये नहीं, तुम हो क्या, इस पर इनका बहुत जोर रहा है। और यही संबंध बनाया गया है इस बात में कि तुम्हारे पास शक्तियां कैसी कैसी हैं, तुम करके क्या दिखा सकते हो, तुम ये अगर तुम क्या वचन बोल पाते हो, ये नहीं। एक ब्राह्मण बैठेगा तो कहेगा मैं वचन बोलूंगा कि मृत्यु से अमृत की ओर चल, वो उपनिषद का पाठ करेगा, वो तो कहेगा अस्तो मा ज्योतिर्गमय। और एक सिद्ध बगल में बैठेगा तो सिद्ध कहेगा अरे मृत्यु से अमृत की ओर क्या चलना है, मैं मुर्दे को जिंदा ही करके दिखा देता हूँ, ढूं 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 ले। ये अप्रोचेज में अंतर है। अब हम ये नहीं दावा कर रहे हैं कि मुर्दे को जिंदा कर सकता है, उदाहरण है, समझिएगा इस बात को। और सिद्धों में जो सिद्धियां होती हैं उसमें एक सिद्धि ये भी मानी जाती है कि हाँ वो ये मुर्दे को, बात सांकेतिक है मुर्दे को जिंदा करना, पर अर्थ समझिए इसका, बीमारियां ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब। तो जो ब्राह्मण है उसका जोर है ज्ञान पर, इकट्ठा कर रखा है, उसके लिए वेद सर्वोच्च है। यहां पर वेद की बात ही नहीं उठेगी, यहां पर वेद की बात ही नहीं उठेगी, यहां पर बड़ी सीधी सीधी बात कही जाएगी, और बल्कि हर प्रकार के ज्ञान का नकार और होगा कि कहां तुम ज्ञान से भरे हुए हो, मामला सीधा है, साफ है, सहज है, देखो बस और हो जाओ वैसे ही। सरहपा, तिलोपा, तिलोपा के शिष्य थे नरोपा, मारपा के शिष्य थे मिलारेपा, इन सब की पूरी एक परंपरा है। मैंने चार नाम लिए हैं, कम से कम 10 ऐसे नाम हैं जिनकी बहुत साख है, तिब्बत के बाहर कम जाने जाते थे, अब धीरे धीरे बहुत लोग जान रहे हैं। ओशो का ही बड़ा हाथ रहा है इसमें। तांत्रिक थे, तंत्र का अर्थ है वो जो करके दिखा सके, तंत्र माने विधि, टेक्निक। रट लेना अलग बात है, पर ऐसा जान जाना कि अब उसको क्रियान्वित कर सको, वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो ये सब तांत्रिक है।
जब बुद्ध की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि सही अर्थों में बुद्ध पहले तांत्रिक थे, क्योंकि उन्होंने उपाय पे बड़ा जोर दिया है, मेथड, करके दिखाने पर। उन्होंने कहा बोलना नहीं है, करके दिखाना है, और करके जो नहीं दिखा पा रहा है वो फालतू है, वो फिर सिर्फ पंडित ही है जो ले करके इधर उधर की बातें करते रहते हैं पर कोई परिवर्तन नहीं ला पाते। ठीक है, चलिए, ये सरहपा का महामुद्रा गीत है। महामुद्रा एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन होता है, विदेशों में अभी खूब फैल रहा है महामुद्रा। सरहपा का ये महामुद्रा गीत है, इसको शुरू करते हैं। इनमें आपको कबीर के दोहों की झलक मिलेगी, और ये सब कहा गया इससे कुछ 100 साल बाद, करीब 600 साल बाद कबीर के दोहे आ गए। वो श्रृंखला एक ही है, श्रृंखला एक ही है। तांत्रिक नहीं है कबीर, लेकिन ज्ञान का नकार कबीर में उतना ही है जितना कि सरहपा में या तिलोपा में, ज्ञान का नकार उतना ही है। ठीक है, देखिए, इनकी सिद्धों की प्रामाणिकता हम क्यों माने कि है क्लैरिटी, आपने पूछा ना, सिद्धों की प्रामाणिकता उनके शब्दों में नहीं, उनके कृत्यों में है। तो शब्द है मिला रेपा, रेपा का अर्थ होता है कपास, कॉटन। तिब्बत की ठंड पता है ना कैसी होती है। नाम था उनका मिला, पूरी ठंड सिर्फ एक कपास की चादर में बिता देते थे, शरीर को इतना साध लिया था। ऐसा आदमी जो बात कह रहा है आपको माननी पड़ेगी, ऐसा आदमी जो बात कह रहा है वो माननी पड़ेगी, उसने साध लिया है -10 डिग्री और कपास। अब पत्थरों पे बैठा हुआ योगी, इनकी कहानियां भी बड़ी अद्भुत है। हमने तंत्र की बात करी ना, हम क्यों मान लें इनकी बातें, कि सबकी कहानियां बड़ी मजेदार हैं। सरहपा ब्राह्मण ही थे और बड़े विद्वान थे, पर आम ब्राह्मणों जैसे नहीं कि रट ली हैं कुछ बातें और जजमानी में लगे हुए हैं, इधर उधर वही सब जो चलता रहता है, कहीं हवन कराया, ये कराया, वो कराया, पैसे कमाए, मस्त है, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते थे। तो बहुत सारे ऐसे काम भी थे इनकी ज़िंदगी में जो निषिद्ध कर्म माने जाते हैं। पीते खूब थे, तो लोग इनको पकड़ के ले गए एक बार, टुन अपना घूम रहे होंगे, बंगाली थे, ये भी बंगाली ही थे, तो लोग ले गए, ये कलंक है शास्त्रों के नाम पे कि कहने को इतना पढ़ा लिखा और हरकतें ऐसी करता है इधर उधर। तो राजा के सामने ले गए, बोलते हैं ये है ऐसा, पिए हुए। तो राजा ने पूछा क्या है, हिसाब बताओ अपना। तो सरहपा ने कुछ बोला, स्पॉन्टेनियस कुछ गा दिया उसी समय, सुना राजा ने। फिर राजा ने कहा अगर पीने से ऐसा होता है आदमी तो मैं आज्ञा देता हूँ कि आज से पूरा राज्य पिए। बात समझ में आ रही है, कहा कि अगर पीने से ऐसा हो जाता है तो आज्ञा है कि सब पियो। इस आदमी में बड़ी खूबसूरती है, पर सरहपा को समझ में आ गया कि अब यहाँ रहना नहीं है इस जगह पर, अंधे लोग हैं ये, आज राजा के पास लाए हैं कल मार ही डालें, निकल लो। मनखिन तो वहां से चले,
घूम रहे थे अपना, तो एक लड़की मिली इनको। जाति की ब्राह्मण नहीं, काम करती थी तीर बनाने का, तो तीर बना रही है बैठ करके। उसको देखने लगे, जो भी कर रहे होंगे घूर रहे होंगे, अब देख रहे हैं कि वो तीर बनाने में बिल्कुल खोई हुई है, बिल्कुल। तो कहानी ये कहती है कि उस समय पर सर्पा को पहली बार अद्वैत का पता चला कि इसको कहते हैं एक हो जाना, इसको कहते हैं एक हो जाना। तो गए उसके पांव पकड़ लिए, अब वो ऐसे ही है कोई। ब्राह्मण के लिए किसी तथाकथित नीची जाति, वो भी लड़की के जाके पांव पकड़ लेना बड़ी बात। बोलते हैं गुरु बन जाओ। बोलती मैं क्या गुरु ये हो। बोलते हैं हाँ। तो बोलती मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं क्या सिखाऊंगी। बोलती जो तीर बना रही हो मैं भी यही करूँगा। तो इनको नाम भी वहीं से पड़ा, सराहमा ने तीर, तो नाम ही इनका सराहपा वहाँ से पड़ गया, वरना इनका कोई और नाम था। और दोनों जन लगे मिलके तीर बनाने, लगे मिलके तीर बनाने। और कहते तीर बनाते बनाते ही दोनों एक साथ पहुँचे, जहाँ भी पहुँचा जाता है, ठीक है, वहीं से वो श्रृंखला शुरू होती है फिर, जिसमें आगे और ये सब तिलोपा और ये लोग आते हैं। और सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं, बड़ी मज़ेदार कहानियाँ हैं। हम जिनका पढ़ रहे हैं सराफा, उनकी ये कहानी है। तो इस आदमी में प्रामाणिकता है, इसने करके दिखाया है, इसीलिए ये जो कह रहा है इसको मानना पड़ेगा हमको। इसने जीवन बिताया है वैसा, स्पष्ट है, ठीक है। असल में हुआ क्या था कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का पूरा रिवाइवल ही इन्हीं लोगों ने करा है। बुद्ध को मरे हो चुके थे इन लोगों के आते आते करीब 1500 साल। ये सब 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी के लोग हैं, तब तक बुद्ध को मरे 1500 साल हो चुके हैं। भारत में शंकर आ चुके हैं, जहाँ से खदेड़ चुके हैं बौद्धों को। और बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म की सारी कुरीतियाँ अब आ चुकी हैं, वो भी हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं। बुद्ध ने कोई किताब नहीं लिखी, बुद्ध के बाद और लोगों ने इतनी किताबें लिख दी हैं कि वेदांत का जो पूरा साहित्य है उससे कई गुना बौद्ध साहित्य हो गया है। तो हिंदू धर्म सनातन धर्म से आगे निकल गया है बौद्ध धर्म पाखंड में, और जितना ज्ञान इकट्ठा करा जा सकता था उसमें। तो जो बौद्ध है वो करीब करीब अब पंडित बन चुका है, उसमें और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं रहा है। ब्राह्मण उपनिषद गाता है और ये धम्मपद गाता है, नहीं तो और पता नहीं कितने सूत्र लिखे जा चुके हैं उन पे अपना ये अपनी टिप्पणी व्याख्या कर रहा है। इन्होंने इन लोगों ने जाकर के कहा कि गाना वाना बंद करो, ये बौद्ध हैं सारे, कि गाना वाना इधर उधर बुद्ध ने क्या कहा ये सब छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, करके दिखाओ। तुम में है तो है, वरना नहीं है। तो वो रिवाइवल हिंदुस्तान में तो नहीं हो पाया, लेकिन तिब्बत में पूरा पूरा हो गया। ये बंगाली है लेकिन असर इसका तिब्बत में दिखाई दिया। तिलोपा भी ऐसे ही थे, प्रज्ञाभद्र उनका नाम था, वो भी दक्षिण से गए थे तिब्बत की ओर, ठीक है। तो इनका पूरा जोर ही इस पर था कि प्रामाणिक होना पड़ेगा, तुमको प्रामाणिक होना पड़ेगा, बोलने से काम नहीं चलेगा। कहते हो ना आई एम नॉट द बॉडी, तो एक चादर में ठंड काटनी पड़ेगी और मजे में काटनी पड़ेगी, वरना नहीं, वरना नहीं। सूफी भी सिद्ध थे। हाँ, वो गर्मी में कम्बल करके दिखाओ, और जो करके नहीं दिखा पा रहा उसके वचन का कोई मोल नहीं है। है तो दिखाओ, कहाँ है? जस्ट नाउ जंप, तो ये वही है, करके दिखाओ। बात कहाँ पर है?
और इन्होंने कई अर्थों में करके दिखाया, बड़ी कहानियां हैं, अजीब अजीब कहानियां हैं। मीरा रेपा की पहली ही जो कविता है वो कहती है कि मुझे बड़ा दुख दिया था इन इन लोगों ने, ऐसा ऐसे हुआ था, बाप थे बचपन में ही मर गए थे, तो मेरे नाथ रिश्तेदार थे, उन्होंने ऐसा करा वैसा करा, तो मैं गया फलानी जगह से ये सिद्धि सीखी और मैंने पूरे गांव का विनाश कर दिया। फिर आगे लिखते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने ऐसा करा, पर ये कि करके दिखाएंगे, यही नहीं है कि कुढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा उद्भुत कर पाने की क्षमता है हम, इसी को सिद्धि कहते हैं कि हो जाएगा। तिलोपा के साथ किंवदंती है कि दौड़ते बहुत जोर थे और कई कई दिनों तक लगातार दौड़ते ही रहते थे, कई दिनों तक दौड़ रहा आदमी। ठीक है, कहानी कहानी है, फालतू ही नहीं कोई दौड़ने लग जाता कि दौड़ पड़े, पर अर्थ समझिए कि दौड़ने में शरीर थकता है, ये आदमी थकान के पार चला गया है, शरीर कह रहा है कि थक रहा हूं लेकिन ये आदमी नहीं रुक रहा, ये सिद्धि है। तो इसकी बात मानी जा सकती है। क्रॉस आइड फूल सीज द लैंप एज टू, भैंगा जो साफ साफ सीधा नहीं देख पाता, क्रॉस आइड मतलब जो सीधा नहीं देख सकता, जो सहज है उसको सामने सामने नहीं देख पाता। एक ज्योति है, एक प्रकाश है और उसको कई दिखाई दे रहे हैं, विजन एंड द व्यूअर, सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, मैं और संसार दो दिखाई दे रहे हैं उसको। और सिद्धों ने बड़ा मजे का काम किया है, उन्होंने जितने ये बुद्धिस्ट पंडित थे इनको ऐसा अंगूठा दिखाया है कि बौद्धों के लिए जो सबसे पवित्रतम उच्चतम शब्द हो सकता है निर्वाण, सिद्धों ने उसका भी मजाक उड़ाया। यहां भी आपको कबीर दिखाई दे रहे होंगे जो स्वर्ग का मजाक उड़ाते हैं। इन्होंने कहा जैसा तुम्हारा संसार है वैसा ही निर्वाण भी है, कोई दो है ही नहीं, न विजन एंड व्यूअर दो अलग अलग हैं, न संसार और निर्वाण दो अलग अलग हैं। World is a manifestation of God, और world is माया, God is also माया। हमारे भगवान तो माया ही है, 100% माया है। आपका गॉड माया के अलावा और कुछ नहीं है, या मैं उसको दूसरे अर्थों में कहूँ कि जितनी गहरी माया है आपके लिए उतना बड़ा गॉड है। सबसे बड़ी माया क्या है? तो भगवान है। दूसरी बड़ी माया क्या है? काम, सेक्स, लस्ट, तो भगवान है आपके लिए। हम तो जिसको भगवान बोलते हैं पूरी माया ही है, भगवान माया है और माया भगवान है। आप जिसको भी पूजते हो बिल्कुल यही जानिएगा कि वो माया ही है। इसीलिए केन उपनिषद को चिल्ला चिल्ला के 10 बार बोलना पड़ा है कि तदेव त्वं ब्रह्म विद्धि नदी अधिदम उपासते, उसको ही तुम ब्रह्म जानो, उसको नहीं जिसकी ये सब उपासना करते हैं। जिसकी ये सब उपासना करते हैं वो तो माया ही है। अगली बार जब भी पूजा करने का मन हो तो स्मृति से ही सही एक बार को चौंक जाइएगा कि माया ही है जिसकी भी पूजा कर रहा हूं। जिसकी भी पूजा, जो कुछ भी आपको पूजनीय लगता है वो नकली ही है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी सारी होली काउज नकली हैं। आप जाहिर की भी पूजा करते हैं, आप अपने संस्कारों की पूजा करते हैं, आप नैतिकता की पूजा करते हैं, आप पत्थर की पूजा करते हैं, आप जाहिर की भी पूजा करते हैं, वो नकली है, ये पक्का है। आप अपने परिवार की पूजा करते हैं, आप अपने मूल्यों की पूजा करते हैं, अपने आदर्शों की, जो भी है सब नकली है। आप जाहिर की भी पूजा करते हैं वो माया ही है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा कोई जीवन होगा और ऐसा कोई भगवान, ऐसा कुछ होगा जो माया नहीं है। इसकी पूजा पहले बंद करिए,
कुछ उत्तर आ गया आप उसकी पूजा शुरू कर देंगे, कुछ आ गया तो उसकी पूजा शुरू कर देंगे। इसकी बंद करिए, इतना काफी है। कुरान में बिल्कुल शुरू में है कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई नहीं है खुदा बस एक, और मुहम्मद उसका रसूल पैगंबर। कोई नहीं है खुदा बस एक। तो एक बड़ा मजेदार आदमी हुआ है सरमद, औरंगजेब के जमाने में। वो इतना ही बोलकर रुक जाता था कि कोई नहीं है खुदा, वो पूरा बोलते ही नहीं था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ना पूरा नहीं बोलता था, बस इतना ही बोलता था कोई नहीं है खुदा, उसके आगे उसके सिवा। और गाता वो घूमता रहता था, कोई नहीं है खुदा, कोई नहीं है खुदा, कोई नहीं है खुदा। अब कुरान कहती है कोई नहीं है खुदा उसके सिवा, और वो कहता था कोई नहीं है खुदा। अब कहने को कुरान का पाठ कर रहा है पर आधा बोल के रुक जाता था, तो औरंगजेब ने पकड़ लिया, बोलता है मारूंगा। पूरा क्यों नहीं बोलता है, आधे पे क्यों रुकता है कि कोई नहीं है खुदा? बोलता था जितना जाना है उतना ही बोलूंगा, मुझे तो ये पता है कि जिसकी ये पूजा अर्चना चल रही है वो नहीं है खुदा, सिर्फ नेति नेति पर ही रुकूंगा मैं। और ये आदमी बड़ा मजेदार था, ये यहूदी था। जब भारत आया तो पहले इसने इस्लाम ग्रहण किया, फिर कुछ दिनों के लिए हिंदू बन गया, और हिंदू ही नहीं बना, ये पंडित बन गया। फिर कहता है ठीक है मुझे बौद्ध भी बनना है, कुछ दिनों वो भी बन लिया। तो पूछा इसे औरंगजेब ने, कौन है तू? तो बोलता है हिंदू मुस्लिम बौद्ध यहूदी काफिर, सब बोल के अंत में बोलता है काफिर, नहीं मानता उस खुदा को जिसको तू मानता है। तो औरंगजेब ने कहा ठीक, मारे देता हूँ, और करता भी क्या, तो भेजा कि इसको मार दो। तो जब उसको मारा जा रहा था तो कहते हैं मरते मरते उसने कहा कि मन कह रहा है कि जन्नत जाएगा, हम कह रहे हैं कि जन्नत को यहाँ उतरना हो तो उतरे, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये उसके आखिरी शब्द थे कि मन कह रहा है कि तू जन्नत जाएगा, हम कह रहे हैं जन्नत को यहाँ उतरना हो तो उतरे, हमें कहीं नहीं जाना, हम जहाँ हैं वहाँ हैं, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है, जन्नत उन्नत तुम्हारी सब झूठी है। कहने का अर्थ ये है कि जिसने भी जाना है वो सबसे पहले ये जानता है कि कोई नहीं है खुदा, तुम जिसको खुदा जानते हो झूठा है, जिसकी तुम उपासना, यही बात केन उपनिषद कह रहा था, यही बात सरमद ने कही है, सबसे पहले तो झूठों की उपासना बंद करो। हाँ, सबसे पहले ये कह पूछने से पहले कि सत्य क्या है, भगवान क्या है, तुम डूबे हुए हो सत्य में और पूछ रहे हो सत्य क्या है, ये कोई बात है? सबसे पहले तो जाहिर में डूबे हुए हो उससे बाहर निकलो, सबसे पहले तो तुम जिन चीजों को पूजते हो उनको पूजना बंद करो। और बड़ी गहरी अपनी प्रामाणिकता चाहिए औरंगजेब के सामने ये बोलने के लिए कि कोई नहीं है खुदा। वो पूछ रहा है कि पूरा भी बोल देना, बोल तो तू कुरान से ही रहा है, बोल तो तू कुरान से ही रहा है, पूरी ही लाइन पूरी बोल देता औरंगजेब खुश हो जाता। उसने कहा उतना ही बोलूंगा जितना जाना है कि कोई नहीं है खुदा, नेति नेति, जिसको तुम जान रहे हो वो तो नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, झूठा है। एक पिक्चर थी वो मैं देखा था उस दिन, जूलिया रॉबर्ट्स की ईट प्ले एंड लव, वो पूरी पिक्चर में ढूंढती रहती है कहां कहां कहां, लास्ट में शी सेज इन लाइन गॉड ड्वेल्स इनसाइड मी एज मी नॉट एट एनीबॉडी एल्स, दिस इज द ओनली थिंग व्हेन यू रियलाइज दिस। पर इन शब्दों में कुछ रखा नहीं है, अभी यह बोल दिया सब रट लेंगे, हो गया ठीक है, गॉड ड्वेल्स इनसाइड मी एज मी, हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये हैंड आउट बन गया नया God dwells inside me as me, हाँ? तो जीवन ऐसे मूर्तापूर्ण ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, शब्द एक और मिल गया है,
जिंदगी वैसी ही, जिंदगी में कोई सिद्धि नहीं रहेगी, जिंदगी वैसी ही रहेगी। गॉड डेल्स इन साइड मी एज मी हुई माँ तैया ने काटा। और पूजा का अर्थ बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि वो पैसा भी हो सकता है, वो परिवार हो सकता है, वो लस्ट हो सकती है, पूजा तो हम करते ही हैं। आपने जीवन में जो कुछ भी पूजा माने धारणा कि ये पवित्र है, ऊंचा है, ये वर्चुअस है, पूजा माने धारणा, आपने जिस चीज को भी जीवन में वर्चुअस बना रखा है झूठा है। देखिए बड़ा भूदे वाला आदमी चाहिए, ये बच्चों का खेल नहीं है। ऐसा आदमी चाहिए जो अपनी ही लाश पर चलने को तैयार हो, जो कहे कि हाँ ठीक, मैं जितना हूं पूरा झूठा हूं मानता हूं, और वो कट के गिर जाए इसके लिए तैयार भी हूं अपनी ही लाश पर चलने को। इतना सच्चा आदमी तब तो कुछ होगा नहीं, तो फिर हो गया अपना, जल्दी तो कुछ है नहीं। स्टेटमेंट ही बहुत खतरनाक है बोलने के, बोलने के लिए भी कि मैं झूठा हूँ, मैं जितना भी, हमें सारी बात जो निकलती है वो आती है कि वो झूठा है, ये दुनिया झूठी है, मेरे साथ ऐसा। और अपना बोलने में कितना अच्छा लगता है, गॉड डेल्स इनसाइड मी एज मी, मैं तो गॉड, ब्रह्म मेरे भी, अहम ब्रह्मास्मि। और माया क्या है फिर, ये कहने में तो बड़ा आनंद आता है कि गॉड डेल्स इनसाइड मी, एंड व्हाट अबाउट ऑल द रबिश, वेयर डज दैट ड्वेल। तो बड़ी आसानी से, कितना प्यारा प्यारा सा लग रहा है ना, आई एम गॉड, आई एम शिट, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, लेकिन तात्कालिक सच क्या है, बिल्कुल इमीडिएट रियलिटी क्या है हमारी, आई एम गॉड या आई एम शिट, वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अहम ब्रह्मास्मि तो बड़ी जल्दी से, God dwells inside me, but as of now, I can only smell you farting. Inside you, I can only smell rubbish. God dwells inside. सोचिए ना, बड़ा रोमांस है इस कल्पना में, God dwells inside me. जैसे हनुमान जी अपने छाती फाड़े और वहां राम दिखाई दे, वैसे ही हमारे आंतों में कहीं God और बैठा हुआ है। तात्कालिक सच्चाई है, बोलिए ज्यादा अच्छा लगता है। तो नहीं कह रहे हैं कि तुम परम हो, भगवान हो, कि ये हो, ये क्रॉस आइड फूल, भैंगे मूर्ख गधे गरिया ही रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि तुम जो है सो है, कौन सा ब्रह्म, कौन सा हम, जो वास्तविकता है वो तो यही है। खाओ पियो मौज करो, उसकी बात क्यों ना की जाए। हम ब्रह्मास, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, वो ज्यादा उचित है। मैनी लैम्स आर लिट इन द हाउस but the blind are still in darkness. Sahaj is all pervasive, but the fool cannot see what is under his nose. So all situations and people are there for your evolvement, if you can use them. वो भी बहुत बात की बात है कि situations people काहे के लिए हैं। पहली बात तो ये है कि तुम आंखें खोलो, हो सकता है बाहर कुछ ना हो तुम्हें ज्ञान देने के लिए, पर ये भी कम से कम अपनी आंखों से तो देखो। अभी तो वो कह रहे हैं कि घर भरा हुआ है प्रकाश से, दियों से, पता नहीं भरा है कि नहीं भरा, मैं तो आंखें बंद हैं, आंखें बंद हैं तो कैसे पता कि दिए हैं कि नहीं है। तो पहली बात ये नहीं है कि मान लिया कि चारों तरफ गुरु ही गुरु बैठे हुए हैं, तुम्हें कैसे पता, तुम्हें मिला है कोई आज तक, कोई मिला है तो कैसे पता कि गुरु ही गुरु हैं, एवरी मोमेंट इज, कैसे पता, तुम्हें तो कोई मिला नहीं गुरु, तुमने तो किसी से कुछ जाना नहीं, तुम्हारे लिए तो क्षण आया नहीं कि बिल्कुल श्रद्धा में कूद पड़ो, समर्पित हो जाओ। तो क्या फायदा ये कहने से कि गुरु ही गुरु है एवरी मोमेंट, चाय इज अ गुरु, माई स्टिंकिंग सॉक इज अ गुरु, हाँ है गुरु, ठीक है, सुंगो। जो असलियत है वो ये है कि आंख बंद है, आंख खोल ली जाए फिर अगर बाहर दिए दिख गए तो ठीक है, नहीं भी दिखे तो क्या अंतर पड़ता है। जिसकी आंख खुली है
उसका हो गया काम। अब बाहर हो रोशनी नहीं हो, शस्त्रों दिए जल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, कुछ नहीं जल रहा तो भी ठीक है, क्या हो गया, दो चार तारे हैं, आंखें तो खुली काफी है। अरे दिए की जिम्मेदारी है भाई, आंख बंद भी रखो और बाहर खूब रोशनी हो, थोड़ा थोड़ा पता चलता है रोशनी है, दिए इतने हैं बाहर, जब पहले ही कल्पना कर रखी है कि दिए हैं तो आंख खोलने की क्या जरूरत है, दिए बिल्कुल प्रदीप्तमान और कुछ कुछ में दिखाई पड़ ही जाएगा, बड़ी प्यारी कल्पना है। किसी ने देखे दिए? इतनी सी रोशनी है जिंदगी में? नहीं, दिए बहुत है, है कहाँ है, किसने बताया कि दिए हैं, किसने बताया, जाना है, आंख खोलना काफी है, उसके बाद होगा दिया, ठीक है, खुल तो गई आंख, दिया भी इसीलिए था कि आंख खुले, जब आंख खुल गई तो अब दिया है कि नहीं है कि क्या फर्क पड़ता है, दिए का और कोई प्रयोजन है, हर दिए का क्या प्रयोजन है कि आंख खुल जाए, आपकी आंख, बाहरी रोशनी देने के लिए नहीं होता दिया, आपकी आंख खुल जाए। सहज इज ऑल परवेसिव, ऑल परवेसिव का अर्थ है कि अंधकार में भी है वो, प्रकाश ही नहीं चाहिए, लगातार है, हर जगह है, सर्वत्र, सर्वत्र में फिर और सदैव, चाहे अंधकार हो चाहे प्रकाश हो, दिख तो जाएगा ही, आंख खोल लो। सहज इज ऑल परवेसिव, उसको ऐसे ही पढ़ सकते हो कि दिखना इज ऑल परवेसिव, दिख तो जाएगा ही, पर ये आंख कौन खोले तुम्हारे लिए, वो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। उस दिन कह रहे थे ना मिस्टर रिखार्ड कि आंख तो तुम्हें ही खोलनी होगी, और तुम्हारी सहमति बिना आंख तुम्हारी और कोई खोल भी नहीं सकता, वो एक काम में जो तुम्हें खुद ही, तुम्हें माने अहंकार को, खुद ही करना पड़ेगा, तुम नहीं कर रहे तो कोई और नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, कोई दिया आके जबरदस्ती तुम्हारी आंख खोलेगा नहीं। अगर आंख खुल जाए तो उसके बाद कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, दिए का काम ही यही था, दिया अब रिडंडेंट हो गया, तो सारा मामला ही आंख खुलने बस, और नहीं आंख खुली है तो होंगे करोड़ों दिए, क्या होता है, नहीं आंख खुली है तो होंगे करोड़ों दिए, क्या होता है। इंग्लिश में एक मजेदार लाइन आती है, पोएम है, जिसमें वर्णन इस बात का है कि आप समुद्र में हैं, बीचों बीच फंसे हैं, तो उसमें पोएट कहता है वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, होंगे दिए चारों तरफ, क्या होता है, लाखों तारे आसमान में, क्या होता है, बट द फूल कैन नॉट सी व्हाट इज अंडर हिज नोज, अंडर हिज नोज भी दूर की बात है, और पास एकदम ही पास, वो नहीं दिखाई देता, और फूल की परिभाषा ही यही है, द वन हु कैन नॉट सी व्हाट इज अंडर हिज नोज, और कोई परिभाषा फूल की बड़ी सहज परिभाषा है, कोई कबीर ही ऐसी परिभाषा दे सकता है, फूलिशनेस को हजार तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है, पर ये बड़ी प्यारी है, जो बिल्कुल पास है, जिसको वो ना दिखाई दे वही मूर्ख है, परम मूर्ख है, और कोई दूसरा मूर्ख होता नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो खोज में निकले वही मूर्ख है, जो पाने निकले वही मूर्ख है, जो एम्बिशियस है वही मूर्ख है, जिसको वो मिल जाए जो बिल्कुल निकट है, सामने है, प्रकट है, बस वही मूर्ख नहीं है। जहां तक खोज है वहां तक मूर्खता है,
जहाँ तक खोज है वहाँ तक मूर्खता है, जहाँ तक अभी पाना ही है वहाँ तक अभी मूर्खता भी है। जहाँ अभी ये नहीं ये तलाश बाकी है, उम्मीदें हैं, कल्पनाएं हैं, चॉइसेस हैं, वहाँ मूर्खता है। ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ये चाहिए। यही महत्व है कि वो खत्म हो जाती है। खोज का महत्व ही यही है कि उसे खत्म होना चाहिए। खोज तो आप कर ही रहे हो, लगातार कर रहे हो। बीमारी का क्या महत्व है कि उसे खत्म होना चाहिए। खोज वही अच्छी जो खत्म हो सके, उसी सीमा तक अच्छी है जिस सीमा तक वो खत्म होने की ओर बढ़ रही हो। खोजना खत्म होने की ओर बढ़, खोज खत्म ऐसे नहीं होती कि जो खोजा था वो मिल गया। खोज ऐसे खत्म होती है कि खोज ही खत्म हो गई। खोज कुछ पा करके नहीं खत्म होती है। खोज वही अच्छी जो धीरे धीरे खत्म हो रही हो। और खोज यहां पे किसको नहीं है, खोज तो है ही। खोज आपको शुरू क्या करनी है, कौन नहीं खोज रहा है, किसको नहीं तलाश है, कौन हो गया लक्ष्यहीन। लक्ष्य खोज के अलावा और क्या है, किसी को ये चाहिए किसी को वो चाहिए, चाहिए ना, यही लक्ष्य है, यही खोज है। ये खोजना ही बंद हो जाए बस काफी है, कुछ और मिल जाए, ये हो जाए, यही तो लक्ष्य, यही तो खोज है। भाई देखिए, आपके साथ दिक्कत ये है कि आप लग को लगता है ऐसा है कि प्रभु की खोज, स्वयं की खोज, सत्य की खोज एक बात है, और शरीर की खोज, सेक्स की खोज, पैसे की खोज, रिस्पेक्ट की खोज, उस प्यारे क्षण की खोज जब सब गुलाबी गुलाबी हो जाएगा और फूल खिलेंगे, वो दूसरी बात है। एक ही है, इधर खोजो चाहे उधर खोजो, खोज एक ही चीज रहे हो। ऐसे खुजलाओ चाहे, एक ही बात है। इसलिए कहा था ना, अ गुड लाइफ स्टार्ट्स व्हेन यू स्टॉप वांटिंग अ बेटर वन। खोज ही खत्म है बस। और देखिए ना, सुनने में कितना अजीब सा लग रहा है, किसी को इसमें किसी को आनंद थोड़ी आ रहा है सुनकर कि हाँ वांटिंग बंद हो जाए, मन कुल बुला रहा है थोड़ा सा तो और दे दो ना, मुझे ना इतना सा। तुम कर रहे थे ना उस संवाद कर, इतना सा परफेक्टली परफेक्ट। थोड़े अच्छे आते हैं ना, उनको नहीं नहीं मिलेगा, इतना सा दे दो और। कई लोग होते हैं घर में कुछ साधारण सा ही बनाओ, खिचड़ी बनी है, कुछ बना है, आलू टमाटर की सब्जी बनी है, तो उसके बाद जो कढ़ाई में बचा रह जाता है ना, लगा रह जाता है, उसको जो यूं करके या कुछ नहीं, आपने दाल चावल खाया और दाल चावल खाने के बाद वो जो बचा रह गया प्लेट में चारों जरा जरा सा, वो जो कोने में लगा रहता है, उसको जो यूं करके चाटने में जो आनंद आता है, लस्टफुल। और कई लोग बड़े पारंगत होते हैं उसमें, देखना वहीं से तो बात निकली, उंगलियां चाटना। खाना चाटने में नहीं मज़ा आया, आप जो इसमें बचा रह गया ना उसको, अब इसमें आपको दिखाई नहीं पड़ रहा पूरा, ये सेक्सुअल एक्ट ही नहीं और क्या कर रहे हो, ये और क्या है। तो चाहे खाने की खोज कर रहे हो और चाहे किसी के शरीर की, ध्यान से देखोगे दिख जाएगा काम एक ही चल रहा है। अब तुम यहां थाली चाटो, चाहे किसी का मुंह चाटो, चाहे जो चाटो, चाट तो चाट ही है। यही चाटना हमारा जीवन है और चाटू हमारा नाम है। चाटने का अर्थ समझ रहे हैं ना, बड़ी गहरी एक क्रेविंग, जिसे कुत्ता चाटता है, कुछ मिल नहीं रहा है, थोड़ा सा और, इतना सा और दे दो ना, चाट चाट के वैसे ही है हम। यही हमारा जीवन है,
चाटने का ख्याल ही कितना आनंद दे रहा है। मुकुल जी पहली बार मुस्कुरा इतने तो खाने भर की बोलता ना अभी कि खाना लगे 11 बज गया नहीं मजा आता, चाटना वो हमारी प्रवृत्ति के बिल्कुल पास है, वो शब्द बिल्कुल ठीक ठीक पकड़ता है हमको, चाटू। आप निगोशिएट करते हो, आप कहें हम तो नहीं चाटते, जाते हो 500 का सामान खरीदा और उसमें 10 रुपए आप कम कराते हो निगोशिएट कर करके, चाटना ही तो है और क्या है कि 500 मान्य जो पूरी भरी हुई थी खिचड़ी उसमें नहीं मजा आया, जो 10 रुपए आखिरी के बच गए उसको चाटने में कितना आनंद आता है। 500 खर्च करे वो बड़ी बात नहीं, 10 रुपए चाट कर ले लिए उसको, और चाट चाट के ही तो लेते हो दुकानदार से, उसको इतना चाटते हो कि अंत में कहता है जा छोड़ा ले जा 10 रुपए, और कितना मजा आता है। खोज, द फूल कैन नॉट सी व्हाट इज अंडर हिज नोज, जो उपलब्धि है जो बड़ा है उसमें नहीं उसको मजा आता, वो एक पैसा वो जरा सा वो चाटना, थोड़ा और थोड़ा सा और दे दो ना। इतना सा आज सुबह सुबह टीवी चल रहा था उसमें कोई आस्था संस्कार टाइप का कुछ लगा हुआ था, तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ म्यूजिक के साथ एक वो आया कि कोई भी काम करने से पहले 3 चीज़ों का ख्याल रखें, 3 सवाल अपने आप से पूछें। पहला, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इस काम करने का परिणाम क्या होगा और इससे मैं सफल होऊंगा या नहीं। इसमें एक चौथा ले लो जो इन तीनों से भी आगे है, ये नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये काम कौन कर रहा है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ इसका उत्तर थोड़ा ज़्यादा सोचोगे तो मिल जाएगा, आधे घंटे बैठे हो नहीं मिला, एक घंटे बैठोगे तो मिल जाएगा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ कुछ मिल जाएगा, ये कौन कर रहा है ये पूछोगे तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। शायद वो जो तीनों सवाल हैं वो किसी रेपिटेशन का सबूत है, और जो ये वाला सवाल अगर गलती से भी पहला हो गया तो सेकंड थर्ड फोर्थ ये तीनों सवाल नहीं आ ही नहीं पाएंगे इसके बाद। वो मुझे सफल करेगा कि नहीं करेगा, अब जब पहले ही लक्ष्य है सफलता तो तभी आती है ना, सफलता का क्या अर्थ है कि कोई खोज है कोई लक्ष्य है, तो उसका उत्तर मिल सकता है कि हाँ मेरे लक्ष्य अगर पूरे होते हैं तो ठीक है, जा रहा हूँ जिम बॉडी बिल्डर हूँ तो दूध पीना ठीक है मेरा लक्ष्य पूरा होगा। केंद्रीय सवाल और बाकी के नहीं हैं, क्या क्यों इधर उधर, केंद्रीय सवाल एक ही है कौन। Who am? कौन है जो ये सब कर रहा है, कौन है जो सफल होना चाहता है, केंद्रीय प्रश्न हमेशा सिर्फ वही है। Where am I? Whence am I? Whose am I? मैं किसका हूं, मैं किसकी हूं। मैं कहां हूं, इन सारे प्रश्नों के केंद्र में मैं बैठा हुआ है। एक बार आपने मैं पहले ही परिभाषित अगर कर रखा है तो मैं कहां हूं इसकी भी आप परिभाषा कर लेंगे। आपने ये परिभाषा करी रखी है कि मैं कौन हूं तो मैं कहां हूं, मैं अपने घर में हूं, मैं कहां हूं मैं अपने घर में हूं। मूल है ये मैं ही क्या है, सवाल मूल वही है, ये मैं ही क्या है जिसे सफल होना है जिसे कुछ भी करना है, ये मैं ही क्या है। फॉरसेकिंग ब्लिस, सो कबीर कहेंगे कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए। फॉरसेकिंग ब्लिस, फॉरसेक उसको ही करोगे ना जो है, जो है उपलब्धि है, जो है उसको छोड़ करके जो बाहर घूमे उसी का नाम क्या है, उसी का नाम फूल है। फॉरसेकिंग ब्लिस, अब वो फॉरसेक उसको कर नहीं पाएगा, फॉरसेक कर दिया होता तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। मजे की बात यह है कि जिसको फॉरसेक करना चाहता है वो उसका गहनतम स्वभाव है, वो वही है, वो उसको फॉरसेक कर नहीं सकता।
अंदर से एक आवाज आती ही रहेगी कि ठीक नहीं है मामला। आनंद चूंकि आपका स्वभाव है, इसीलिए जब भी कभी मन उस आनंद से दूर होगा तो मन बेचैन रहेगा, और सारा काम मन के लिए ही किया जा रहा है, उस आंतरिक स्वभाव के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, वो तो है ही, उसके लिए कुछ करने वरने कहने सुनने की जरूरत है नहीं। समझ रहे हैं बात को? फोरसेकिंग ब्लिस, मन उससे दूर हो गया है। मन किससे दूर हो गया है? जो उसका स्वभाव ही है। मन अपने स्वभाव से दूर होकर के खोज में निकल पड़ा है। द फूल रोम्स अराउंड, तो हु इज अ फूल? हु इज अ फूल? द वन हु रोम्स अराउंड, द वन हु रोम्स अराउंड, मृग ढूंढे वन माही, जो चारों तरफ ढूंढने में ही लगा हुआ है, जिसकी खोज बड़ी सघन है, वही मूर्ख है। Your mouth is full of honey now. Swallow it while you may. अभी है, और कितनी मजेदार सी बात है, मुंह में शहद भरा हुआ है और खोज रहे हैं इधर उधर कि मिल नहीं रहा, पर उसको गटकने के लिए तो तुम्हारी सहमति चाहिए। मुंह में तो फिर भी कोई जबरदस्ती भर दे, गटकोगे तो तुम ही। Your mouth is full of honey now. उपलब्ध है अभी सहजता, उपलब्ध है शहद, उपलब्ध है मधुरता, मधु उपलब्ध है। तुम हो जो इनकार कर रहे हो गटकने से, कोई बाहरी नहीं है जो आकर के तुमको परेशान करना चाहता है। तुम्हारी सारी परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि तुम स्वस्थ होने से, सहज होने से इनकार कर रहे हो, कुछ धारणाएं बैठा रखी है, कुछ स्वार्थ जोड़ लिए हैं। फूल्स अटेम्प्ट टू अवॉइड देयर सफरिंग, द वाइज इनएक्ट देयर पेन। दर्द से लड़ना नहीं है, दर्द को जी जाना है। वाइज इनएक्ट देयर पेन, इनएक्ट मतलब जी जाना है उसको, और ये जानते रहना है ये सिर्फ इनएक्ट कर रहा हूँ, अभिनय कर रहा हूँ, पूरा गुजरना है उससे। अभिनय करने का अर्थ होता है एक साथ दो बातें, पहला जो है उससे गुजर रहे हैं, उसको पूरा पूरा कर रहे हैं, जो पात्र है उस पात्र के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, दूसरा भीतर ही भीतर जानते हैं ठीक है, की फर्क पैदा है, की फर्क पैदा है, ठीक है। तो दर्द आ रहा है, उस दर्द को पूरा पूरा जीना है, ऐसा नहीं कि दर्द हो नहीं रहा, दर्द पूरा होगा, दर्द से गुजरना होगा, लेकिन दर्द के अलावा भी एक सत्ता बनी रहेगी, दर्द कहीं नहीं चला गया, दर्द तो है पर दर्द के अलावा भी हम है, दर्द के अलावा भी हम है, ये है द वाइज एन एट देयर पेन। और फूल क्या करता है कि दर्द है तो दर्द से है कुछ सुख मिल जाए, दर्द दूर हो जाए, वो भागता है दुख से मुक्ति के लिए। और वाइज कौन है जो जानता है कि दुख ही नकली है, हम हैं, दुख तो मात्र अभिनय है, अभिनय का हिस्सा है, दुख है सुख है करना पड़ेगा। इसी वाल कह रहा था कि कलेजा कड़ा करना, इससे कोई मुक्ति नहीं होती, बस ये जानना हो सकता है कि मैं दुख के अतिरिक्त भी कुछ हूं, दुख से और कोई मुक्ति नहीं है। इन सपनों में बिल्कुल भी मत रहिएगा, बिल्कुल ये सब जो आप मृग मरीचिकाएं बिल्कुल खतरनाक वाली, कि कोई ब्लेस्ड डिवाइन लैंड होता है, ऐसी कोई स्थिति होती है जहां पर या दुख बिल्कुल खत्म हो जाता है और सुख ही सुख है, एंड दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर, वो सब एवर आफ्टर, वो सब बिल्कुल भूल जाइए कि ऐसा कभी भी होगा। दुख माने दुख तो है, दुख रहेगा, हाँ दुख के अतिरिक्त भी कुछ रहे तो फिर मजा है। मन ऐसा जो जानता हो कि बाहर से जो आ रहा है उसके अतिरिक्त मेरी कोई सत्ता है, बाहर से तो आते ही रहेगा ना, दुख यानी बाहरी, बाहर से तो बातें आती ही रहेंगी, स्थितियाँ बदलती ही रहेंगी, आपका कोई बस नहीं है इस पर, अभी ऊपर से कुछ गिरे और आपके सर पे सर फोड़ दे आपका, आप नहीं रोक पाओगे, और सर पे चोट लगेगी तो दुख होगा। समझ रहे हैं बात? देह से गहरा तादात्म्य है, देह के साथ कुछ भी हो जाएगा तो दुख होगा,
हाँ वो दुख सतही रहे, अंतरतम में कुछ और ही, सिर्फ स्वास्थ्य रहे वहां पर, दुख नहीं, फिर ठीक है। समझ रहे हो ना? द वाइज इनैक्ट देयर पेन एंड दैट इज द ओनली फ्रीडम फ्रॉम पेन। एनैक्टमेंट ऑफ पेन इज द ओनली फ्रीडम फ्रॉम पेन, देयर इज नो अदर फ्रीडम। यू विल नेवर कम टू दैट डिवाइन स्टेट वेयर देयर इज नो सफरिंग, वेयर देयर इज नो सफरिंग। द ओनली स्टेट पॉसिबल इज दैट देयर इज सफरिंग बट आई एम नॉट सफरिंग, देयर इज सफरिंग बट आई एम नॉट सफरिंग, आई जस्ट एम, मैं हूं। मेरा होना अलग है, सफरिंग अलग है। बुद्ध ने भी सफरिंग से मुक्ति की जितनी बातें बोली हैं उससे इंटेंसिटी कम हो जानी है। देखिए तीन तरह की सफरिंग की चर्चा करता है वेदांत। कुछ वो जो पूर्णतया आपके करे की होती है, तीन में से एक ही ऐसी है, और बाकी दो ऐसी हैं जिस पर आपका कोई बस नहीं है। जैसा हमने कहा ऊपर से कुछ गिर सकता है, शरीर है इसको जरा जीर्ण होना है, मौत आनी है, बीमारी आनी आनी है। आप कर लो कुछ कर लो, आप अपने आप को कितना भी स्वस्थ रखने की कोशिश कर लो शारीरिक रूप से, पर वायरस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। स्वस्थ से स्वस्थ आदमी भी बीमार पड़ सकता है। तो जब तक देह है, जब तक मन है, तब तक सफरिंग रहेगी। उसको एनैक्ट करा जाए, ये आखिरी बात, इससे आगे कुछ आप कर नहीं पाएंगे। दुख से दोस्ती की जा सकती है, यही है आखिरी चीज़।